तो गाइज यहाँ पे जो वीडियो है ये मेरी फ्रेंड बना रही थी। यहाँ पे कुछ ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, मैं रो रही थी, मतलब बहुत अजीब लग रहा था। और मम्मी थी तो मम्मी को देखकर थोड़ा और ज़्यादा अजीब लग रहा था। तो बस ट्रेन में हम लोग पहुँच गए थे। ये छोटी सी क्लिप बोली तो मैं यहाँ पे ऐड कर ली हूँ। और किसी को भी अपना घर छोड़ने का मन नहीं करता है ना, बट क्या मैं बताऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। मैं खुद ही बहुत ज्यादा लाइफ से परेशान हूं, जो कि मैं अभी तक समझ नहीं पाई अपनी लाइफ के बारे में कैसे क्या। और यहाँ पे मेरी मम्मी सौम्या, शौर्य और सामान सारा मेरा पैक हो चुका था, देख सकते हैं आप लोग। सामान ज्यादा हो गया था, मुझे टीवी भी लेकर आना था, बट मैं टीवी लेकर नहीं आ पाई क्योंकि टीवी मेरा खुला नहीं और सामान भी ज़्यादा था। तो फिर सोची चलो कोई नेक्स्ट टाइम देखूंगी। इन लोग कुछ टॉयज वगैरह भी अपना जो है पैक कर लिया था। और ये मेरी सिस्टर जो चाची की लड़की है, अब बात ये है कि जब ना चाहिए थे तभी डाल दिया हो भाई, हम डाल दिया हो ना, कभी काम हो नहीं अपने जो है सभी ये जो नहीं करेगा। यहाँ पे मैं कुछ रियल वॉइस छोड़ दी कि बाकी आप कुछ सुनिए। और मेरे पति की वजह से मीटिंग जा रही है, मैं क्या करूँगी। तो मेरा जिंदगी तो खैर बहुत ज़्यादा उथल पुथल है। मैं कहीं भी रहूँ बट मेरे दिल को शांति नहीं मिलता है। बट हाँ, इतना जानती हूँ कि मुझे गया से 20% जो है शांति मुझे यहाँ मिलता है, क्योंकि गया में बहुत ज़्यादा ही टेंशन भी रहता था, ऊपर से लोगों से कमेंट रहता था। और उसके बाद जो है लोग मुझे चैन से जीने नहीं देता था, घटना पे घटना। तो वो सब चीज़ का शांति मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर मिली है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ यहाँ पर रहना। और मुझे मतलब ताकि गया रहने में भी कोई दिक्कत नहीं था, मुझे अपना घर बहुत अच्छा लगता था। जब से घटना हुआ उस टाइम से मेरा दिल जो है बहुत पड़ गया है, मतलब मन नहीं करता है बिल्कुल। और किसी को भी शौक नहीं होता है हर कुछ देख कर जिंदगी ऐसे काटना, तो मैं काटना। और मुझे बच्चा भी ले रही थी ऊपर, ताकि उसके ऊपर भी बना हुआ है पूरा वीडियो में कलर लड्डू टकलू को देख सकते हैं। और यहाँ पे मेरी फ्रेंड आई थी सब छोड़ने, जिस सब रो रही थी और मुझे भी बहुत रोना आया था। और फाइनली जो है हमारा ट्रेन खुल चुकी है, यहाँ से सोमिया सारे बैठे हैं। और यहाँ पे सोमिया बोल रही है दादू रो रहे थे, नानी रो रही थी। तो अभी भी मैं एडिटिंग कर रही हूँ तो रो रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे अपने लाइफ के बारे में क्या सही क्या नहीं, मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है। बट क्या करूं, मैं बहुत खुश होकर दिखाती हूँ, बहुत एक्टिंग जो नाटक होता है ना खुश रहने का, वो एक्टिंग और नाटक करती हूँ। और फाइनली दिल्ली पहुँच गई थी मॉर्निंग के टाइम में। तो यहाँ पे मैं कैब ली थी क्योंकि समय बहुत था, तो मेट्रो से नहीं आ सकती हूँ। दोनों बच्चे बैठ गए थे और भाई भी था, तो भाई चला गया दिल्ली से क्योंकि उसका दिल्ली से पास था, और फिर वापस गुड़गांव आता, गुड़गांव आने के बाद फिर वापस जाता। तो इस वजह से मैं कैब कर ली, फाइनली यहाँ पे निकल चुकी हूँ गाइज।